बढ़ाते हैं आज की खबर पर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर प्रांतीय संगठन द्वारा राज्य कर्मचारियों का दर्जा देकर सातवें वेतनमान हेतु 2 जुलाई 2018 से ईदगाह भाटा रायपुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल होकर अपने मांगों को पूरा करने का नारा लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। आखिर कब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी? सर, आज जो आप लोगों का ये जिला सहकारी कर्मचारी संघ की जो आप लोगों की जो जंग चल रही है, उसके बारे में आप लोग क्या चाहते हैं? शासन आपकी कौन सी मांग को पूरा नहीं करना चाहता है या बोलना चाहिए कर ही नहीं रहा है? नहीं, हमारा एक ही मांग, राज्य सहकारी कर्मचारी का हमको दर्जा मिले और सातवां वेतन मिले, हमारा दूसरा कोई मांग नहीं। इस प्रपत्र में हम लोग 2000 पिछले महीना 18 तारीख शासन को हमने ज्ञापन सौंपी थी कि हमारा ये मांग है और आपने 2018 घोषणा पत्र दिए भी, तो हमारा मांग पूरा कर दीजिए, हम काल में नहीं आएंगे। लेकिन 18 तारीख के बाद शासन या प्रशासन से हमको किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए या हमको किसी भी प्रकार का आदेश नहीं मिला, इसलिए हम लोग 2 तारीख को निश्चित कर दिए। नहीं, अभी तक अगर शासन करना चाहती तो बैठने की सवाल ही पड़ रही है, नहीं किया तभी तो बैठे। सरकार करना नहीं चाह रही है ऐसा लगता है अपने इतने जनसंख्या में यहाँ बैठे 1333 सोसाइटियों में ताला लगा करके हम 16,000 कर्मचारी हैं। 2 जुलाई से लगातार हड़ताल कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है। आज वहाँ से मंत्रालय से बुलावा आया है, हमारे पदाधिकारी लोग गए हुए हैं, देखते ये है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। अगर सही डिसीजन नहीं लिए तो हमारा स्ट्राइक आगे भी जारी रहेगा। चलते नहीं, कल हम लोग अर्धनग्न होकर के यहाँ बैठे हुए थे, आज हम लोग जो उनका मांग पत्र मतलब हमारा जो मांग पत्र 2008 का उसको हम लोग जलाए हैं और कल से हम लोग हवन भी करेंगे। उनको भगवान सब बुद्धि दे कम से कम, ये गरीब कर्मचारी अपना रोजी रोटी जैसा काम कर रहे हैं उसको अपने बाल बच्चों को अच्छे से पाल सकें, परवरिश दे सकें, इसलिए हम अपनी मांग मांग रहे हैं। उन्होंने अपने 2008 के घोषणा पत्र में ये चीज़ बोला था, तब मांग रहे हैं, नहीं तो हमको छत्तीसगढ़ शासन ने आप लोगों को जो बोला चाहिए, आप लोग जैसे आप लोग लगे, आप लोग अपने काम में कार्य में लगे, उसके बाद से छत्तीसगढ़ शासन ने आपके सहयोग में क्या करना कुछ करने की कोशिश? जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। तो आप लोग क्या चाहते हैं आगे, आप लोग क्या करना चाहेंगे? या तो हमें नौकरी से निकाल दे या हमें सातवां वेतन मिले। मैडम, हम लोग माने खाद बीज सार्वजनिक वितरण प्रणाली माने बचत बैंक और माने धान खरीद सरकार के बहुत सारी योजना करते हैं मैडम, इतना करते हैं और उतना करने के बावजूद भी हम लोग वेतन हम लोग को एक मजदूर बराबर मिलता है मैडम, तो हम लोग का जो राज्य का कर्मचारी एक दर्जा मिले और सातवां वेतन मान मिलना चाहिए मैडम, हम लोग एक ही मांग है मैडम, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त हमें बोलना चाहिए कि आपका ये जो समिति सहकारी समिति जो है उस वहाँ पर हम खड़े हुए हैं, बात ये सोचने की आ जा रही है कि शासन छत्तीसगढ़ के पद अधिकारियों को ऐसा तड़पाना और अपनी उनकी इच्छाओं को पूरा ना करना क्यों ऐसा चल रहा है, सोचने की बात है। ये शासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और शासन इस बात को लेकर काफ़ी ढीलापन दिखा रहा है, जबकि इनकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए ताकि ये लोग अपने भविष्य में आगे परमानेंट होकर अपने परिवार और अपने बच्चों का सही ध्यान रख सके और सही अपनी डिमांड को पूरा करवा कर अपने जो लोग हैं जो परिवार है उसको सही तरीके से पालन पोषण कर सके। एसटीवी न्यूज़ चैनल से सुधा सिंह।